महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। गंधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबी लोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु को की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम। किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पाली संस्कृति बर्तन। उत्तरी काले पाली संस्कृति बर्तन को। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या फिर ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद थे। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनड्रिमीज कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि क्षत्रपी बनाया? डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने। हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसमें पोरस का पराजय हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची के स्थान में सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित है बिंबिसार, हर्यक वंश से संबंधित है बिंबिसार। कालाशोक शिशुनाग से संबंधित है, महापद्मानंद नंद वंश से संबंधित है, और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद सूची में मगध वंश पटना और गया के जिले को मगध बोला जाता था, वत्स बोला जाता था इलाहाबाद को, कौशल बोला जाता था अवध को, और अवंती बोला जाता था मालवा को। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज यानी कि राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुतर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6 सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सभी। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। प्रद्योत संबंधित है अवंती से। उदयन संबंधित है वत्स से। प्रसेंजित संबंधित है कौशल से, और अजात शत्रु संबंधित है मगध से। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस था। वो मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजी संघ यानी कि वैशाली। वजी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध क्षेत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजात शत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, तो अजात शत्रु, बिंदुसार और प्रसन्नजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजात शत्रु और प्रसन्नजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राजा का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजात शत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें कोई नहीं, मतलब पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, यह गलत है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व रक्षात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की, गलत। गिरिवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनके 4 राजधानियां बनी, यह भी गलत। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज वाले गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों का नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राजा में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद। डेरियस यानी कि दारेबाहु प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्वा छत्र यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोट्स। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो अष्टकुलक प्राम सरदाई संस्था, महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौलिक यानी कि शुल्काध्यक्ष शिल्पों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस से प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसे
कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजात शत्रु, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए तो कुरु, कुरु संबंधित है इंद्रप्रस्थ से, पंचाल संबंधित है अहिच छत्र से, कौशल संबंधित है साकेत से और वत्स संबंधित है कौसाम्बी से। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौसाम्बी। धन्यवाद।